गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में प्रश्नावली 7.1 के पहले सवाल को हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। ध्यान से देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज, प्रति अवकलज या समाकलन दोनों एक ही होता है, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला सवाल दिया है आपको sin 2x। ध्यान देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे फलन को प्राप्त करते हैं जिसका अवकलज sin 2x है। ठीक है, ये जो है हमेशा निरीक्षण विधि जब भी करेंगे इसको लिख लेना है कि हम एक ऐसे फलन को प्राप्त करते हैं जिसका अवकलज sin 2x है। cos 2x रहेगा तो cos 2x लिख लेंगे, मतलब जो फलन दिया रहेगा उसी को लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हम जानते हैं, है कि, अब देखेंगे ये किसका अवकलज जो है साइन होता है, तो कास का अवकलज पढ़े हैं कि साइन होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे d/dx कास, देखिए 2x है तो 2x लिख लेंगे। अब अवकलन करेंगे तो सूत्र होता है -sin 2x। cos 2x का सूत्र क्या हो जाएगा, -sin 2x, और 2x का दोबारा निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो d cos 2x बराबर -2sin 2x dx, लिख सकते हैं dx अपन इधर बटा में है तो इधर गुणा के रूप में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखना है, समाकलन करने पर, देखिए समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह पता है आपको, देखिए -2 संख्या के रूप में है तो इसको बाहर निकाल लेंगे sin 2x dx। देखिए इसी का जो है हमको मान निकालना है। ठीक है, तो केवल इस साइड ध्यान देंगे, उसके बाद पछांतर करके मान निकाल लेंगे। देखिए d के साथ क्या दिया है, cos 2x दिया है, जैसे dx रहता है तो हम x लिखते हैं, यहाँ पर d के साथ cos 2x है तो इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x, ये हमेशा ध्यान देना है आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x बराबर -2 समाकलन sin 2x dx। देखिए इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसका ही मान निकालना है, प्रति अवकलज किसका निकालना है sin 2x का, तो sin 2x dx को छोड़ देंगे। अब इसको पछांतर कर लेते हैं, देखिए यह माइनस है, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2 समाकलन sin 2x dx बराबर, देखिए इधर प्लस है इस साइड भेज देंगे तो -cos 2x। अब 2 को बटा में भेज दीजिए उधर तो sin 2x dx बराबर क्या हो गया -cos 2x बटा में 2, और प्लस समाकलन नियतांक c जोड़ेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर सवाल दिया है आपका cos 3x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, वो भी किस विधि द्वारा, निरीक्षण विधि। देखिए निरीक्षण विधि में हमेशा ये लिखना है कि हम एक ऐसे फलन को प्राप्त करते हैं जिसका अवकलज क्या दिया है cos 3x, तो यहाँ पर जो है cos 3x लिख लेंगे, cos 3x है। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि cos किसका अवकलन होता है, तो sin का अवकलन जो है cos होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे d/dx sin 3x बराबर, अवकलन करके इधर मान लिख लीजिए। देखिए साइन है, फार्मूला क्या हो जाएगा cos 3x और (3). ठीक है, अब dx को उस साइड भेज दीजिए तो d sin 3x बराबर 3 cos 3x dx। अब क्या करना है, समाकलन करना है, लिख लेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह देना है आपको, ध्यान देना है 3, देखिए संख्या के रूप में है, बाहर निकाल लेंगे cos 3x dx। अब ध्यान से देखिए cos 3x dx का तो मान निकालना है,
हमको इसको कुछ नहीं करना है, केवल इस साइड ध्यान देना है। डी के साथ कितना है, साइन 3x है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 3x बराबर 3 अधिक 1। इसका मान तो निकालना ही है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे। अब इसको इस साइड भेज दीजिए, इसको इस साइड पक्षांतर कर लेंगे। देखिए इधर प्लस है, इधर आ जाएगा, तो -3 समाकलन cos 3x dx बराबर। देखिए ये भी प्लस है, इस साइड पक्षांतर करते हैं तो हमेशा चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा प्लस, गुणा रहेगा भाग, भाग रहेगा तो गुणा। देखिए अब यहाँ पर -3 से गुणा हो जा रहा है, तो इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग के रूप में होगा, तो -sin 3x बटा में 3। और समाकलन नेतांक सी जोड़ना ही है आपको, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, ठीक है। तो cos 3x dx कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिखना है, भूलना नहीं है, माइनस माइनस ये कट के क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो गया, sin 3x बटा में 3 और प्लस समाकलन नियतांक सी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जो है तीसरे नंबर के सवाल को देखिए, e^2x का प्रति अवकलज ज्ञात करने को कह रहा है, तो इसमें लिखेंगे हम एक ऐसे फलन को प्राप्त करते हैं जिसका अवकलज कितना हो, e^2x है तो e^2x है। देखिए e^x अब किसका फॉर्मूला होता है, e^x का, तो यहाँ पर लिख लेंगे d/dx e^2x, ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो e^2x(2) हो जाएगा, तो d e^2x बराबर 2 e^2x dx लिख सकते हैं। उसके बाद लिख लेंगे समाकलन करने पर, ध्यान देंगे समाकलन कर लेंगे तो d e^2x बराबर 2 e^2x dx, ठीक है, समाकलन कीजिए। देखिए d के साथ कितना है, e^2x है, तो e^2x लिख लेंगे बराबर 2। इसका मान तो निकालना ही है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। आप पक्षांतर कर लीजिए, देखिए इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, इधर प्लस है तो ये भी जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो -2 समाकलन e^2x dx बराबर जो है -e^2x, इसको बटा में भेज दीजिए तो e^2x dx बराबर कितना हो गया, -e^2x/-2। देखिए माइनस माइनस हो गए तो भाग देंगे तो कौन सा चिन्ह होता है, प्लस चिन्ह, ठीक है, और समाकलन नियतांक सी भी जोड़ लेंगे, e^2x dx बराबर e^2x/2 और प्लस सी, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए चार नंबर को, ax + b का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए होल स्क्वायर आया है तो मतलब अवकलन करेंगे तो 3 घात रहेगा, तभी तो 2 घात होगा, तो इसमें लिख लेंगे हम एक ऐसे फलन को प्राप्त करते हैं जिसका अवकलज कितना हो, जितना दिया रहेगा उसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि d/dx, देखिए ax + b का होल क्यूब मतलब 3 घात लेंगे तभी अवकलन करेंगे तो 2 घात होगा, इसको ध्यान देना है, तो अवकलन कर लेंगे तो 3 घात आगे आ जाएगा और ax + b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ax + b का जो है पुनः निकालेंगे अवकलन तो ax का क्या हो जाएगा, a और b का तो 0, ठीक है। देखिए 3 में 1, देखिए पहले a में 0 जोड़ेंगे तो a होगा, a में 3 का गुणा कर लेंगे तो 3a ax + b का होल स्क्वायर। अब dx को जो है इस साइड भेज दीजिए तो d ax + b के पावर 3 बराबर 3a
समाकलन तो नहीं करना है अभी, अगले स्टेप में करेंगे, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब जो है लिखेंगे समाकलन करने पर, देखिए समाकलन करेंगे तो डी ए एक्स प्लस बी के पावर तीन बराबर तीन ए, समाकलन का चिन्ह ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए डी के साथ कितना है यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी के पावर तीन है, तो इसका मान जो है ए एक्स प्लस बी के पावर तीन लिख लेंगे बराबर तीन ए, और समाकलन इसका मान तो निकालना ही है, प्रति अवकलज करना है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। अब पक्षांतर कर लीजिए, देखिए इस साइड प्लस है, इस साइड खींचेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको भी उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस तीन ए समाकलन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा। देखिए प्लस है, इसको भी इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग कर लीजिए, तीन ए से गुणा के रूप में है, तो यहाँ से समाकलन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस ए एक्स प्लस बी का होल क्यू, और बटा में कितना हो जाएगा तीन ए, माइनस तीन ए है तो माइनस तीन ए प्लस समाकलन नियतांक सी, देखिए माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का होल क्यू अपन तीन ए और प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है हम पांच नंबर सवाल को हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे हल होगा। करें निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है दो फलन हो जा रहा है, एक साइन हो जा रहा है, एक e के पावर थ्री एक्स, और दोनों का क्या है अंतर है, तो पहले एक का निकालेंगे फिर दूसरे का निकाल के दोनों को घटा लेंगे, ठीक है। तो हम पहले वाले टर्म को जो है ऐसे लिख सकते हैं, देखिए समाकलन को जो है आई से दर्शाते हैं, तो आई बराबर समाकलन साइन टू एक्स डी एक्स, फिर माइनस चार समाकलन ई के पावर थ्री एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, आई बराबर जो है पहला ये मान और दूसरा समाकलन के रूप में लिखना है, प्रतिअवकलज करना है। अब इस मान को और इस मान को जो है हम अलग अलग निकाल लेंगे, इसको जो है समीकरण नंबर एक कर लीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर कितना कर लेंगे एक। अब इसमें जो है हम साइन टू एक्स का अवकलज करेंगे वही जैसे पीछे करे थे, ठीक है, पहले इसका निकालेंगे बाद में इसका निकाल लेंगे, फिर दोनों मान इसमें रखना है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम ऐसे फलन को प्राप्त करते हैं जिसका अवकलज क्या साइन टू एक्स है, ठीक है। पहले साइन टू एक्स का निकाल लेंगे, देखिए इसमें जैसे पीछे किए थे सब में वही करना है, यहाँ भी लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स। देखिए अब साइन किसका अवकलज होता है कास का, तो यहाँ पर कर लेंगे कास टू एक्स, अवकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कास टू एक्स है तो माइनस साइन टू एक्स इंटू दो, ठीक है, तो डी के साथ कास टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या है भाग के रूप में है, इस साइड भेज देंगे तो गुणा के रूप में। अब क्या लिख लेंगे, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, डी कॉस टू एक्स बराबर माइनस टू समाकलन साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक है।
देखिए d के साथ cos 2x है तो समाकलन करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, केवल cos 2x बराबर माइनस टू, इसका मान तो निकालना ही है क्योंकि इस मान ऊपर वाले में दिया है, ठीक है इसको छोड़ देंगे और पक्षांतर कर लीजिए। तो यहाँ से टू समाकलन साइन टू एक्स डी एक्स बराबर, देखिए माइनस है तो इस साइड प्लस, ये प्लस है तो इस साइड भेजेंगे तो माइनस कास टू एक्स, और बटा में दो कर सकते हैं गुणा के रूप में है तो यहाँ से साइन टू एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा इसके बटा में केवल दो कर लीजिए, हो गया। देखिए साइन टू एक्स का मान निकाल लिए, अब हमको जो है इसका भी तो निकालना है e के पावर थ्री एक्स डी एक्स, ठीक है अब इसके लिए भी हमको पूरा वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो इसमें करे हैं, ध्यान से देखिए। अब इसके लिए हम मान लेंगे हम ऐसे फलन को प्राप्त करते हैं जिसका अवकलज, ध्यान से देखिए इसका अवकलज कितना हो, e के पावर थ्री एक्स है, ठीक है। अब इसमें जो है d अपान डी एक्स e के पावर थ्री एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो e के पावर थ्री एक्स और इंटू तीन, ठीक है पक्षांतर कर लीजिए तो d e के पावर थ्री एक्स बराबर थ्री e के पावर थ्री एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब लिखेंगे समाकलन करने पर, देखिए समाकलन करने पर जब समाकलन करते हैं तो क्या हो गया, देख डी ई के पावर थ्री एक्स बराबर थ्री ई के पावर थ्री एक्स डी एक्स, देखिए ये मान जो है प्राप्त करना है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, केवल इस साइड ध्यान देना है d के साथ कितना है e के पावर 3x है तो यहाँ पर जो है e के पावर 3x लिख लेंगे बराबर 3 और समाकलन e के पावर 3x dx, पक्षांतर कर लीजिए प्लस है तो इस साइड जाएगा माइनस और ये भी इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है पक्षांतर। तो यहाँ से e के पावर 3x डी एक्स बराबर माइनस, देखिए माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस बटा में माइनस तीन बराबर जो है ई के पावर थ्री एक्स बटा में तीन, ठीक है। अब ये दोनों मान जो है समीकरण नंबर एक में रख लीजिए वही आंसर आ जाएगा, लिख लेंगे समीकरण एक में समाकलन साइन टू एक्स डी एक्स तथा समाकलन e के पावर 3x dx का मान क्या करने पर, रखने पर, देखिए समीकरण नंबर एक क्या दिया है i बराबर कितना है माना गया है, i बराबर देखिए sin 2x dx तो sin 2x dx का मान कितना है माइनस cos 2x बटा में 2, तो इसके स्थान पर जो है लिख लीजिए माइनस cos 2x बटा में 2 फिर माइनस 4 और ब्रैकेट में देखिए e के पावर 3x का मान कितना आया है e के पावर 3x बटा में 3, ठीक है ये क्या हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए इस तरह से निरीक्षण विधि के सभी सवाल हल हो गए, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, कल आप लोग को समाकलन करने की अन्य विधि द्वारा बताया जाएगा।